क्रमशः अगला छंद जिसमें जीवात्मा को ही परमात्मा रूप कबीर ने माना है। अद्वैतवाद के अंतर्गत परम ब्रह्म परमेश्वर का ही अंश शरीर के अंदर जीव के रूप में विद्यमान है, जिसे आत्मा के रूप में जीवात्मा के रूप में जाना जाता है। लेकिन मनुष्य उसे समझ नहीं पाता, उसे देख नहीं पाता। अज्ञानता के कारण वह संसार में भटकता रहता है, तीर्थाटनों में खोया रहता है और परम तत्व को प्राप्त करने के लिए वह नाना प्रकार के कर्मकांड, विधि विधान आदि से जुड़ा रहता है। उसी जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप का चित्रण यहां पर कबीर ने किया है, जो अन्योक्ति परक है। जल पानी उस परम तत्व परमात्मा का स्वरूप है, मीन मछली आत्मा का स्वरूप है, दोनों एक दूसरे के समीप है। वह जीवात्मा उस परम पर तत्व परमात्मा के ही पास है, लेकिन इस माया के बंधन में, माया के वशीभूत हो जाने के कारण, जन्म मृत्यु के बंधन में बंधने के कारण वह उससे, उसमें एक होते हुए भी, उसी का रूप होते हुए भी उसका अभाव महसूस करती है। कबीर कहते पानी बिन मीन प्यासी, जल के अभाव में मछली बिच मीन प्यासी, जल में रहते हुए भी मछली प्यास से व्याकुल है। मोह सुन सुन आवे हाँसी, मुझे सुन सुन कर हंसी आ रही है कि जल में रहने वाली मछली जल में ही रहते हुए प्यास से व्याकुल है। अर्थात परम तत्व परमात्मा के मध्य बीच ही रहती हुई आत्मा उस अज्ञानता के कारण उसका अभाव महसूस करके परम व्याकुल है। मोह सुन सुन आवे हाँसी, मुझे सुनकर हंसी आ रही है। घर में वस्तु नजर नहीं आवे, बन बन फिरे तो उदासी, अन्योक्त परक है कि जैसे घर में रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती और उसे लोग अन्यत्र दूसरे स्थानों पर खोजते फिरते हैं, उसी प्रकार इस शरीर रूपी घर के अंदर विद्यमान परम तत्व परमात्मा रूप वह आत्मा दिखाई नहीं देती। वह परम तत्व परमात्मा का स्वरूप देख नहीं पाता, अनुभव नहीं कर पाता और उसे प्राप्त करने के लिए जंगलों में, वनों में भटकता रहता, नाना प्रकार के कर्मकांडों में, तीर्थाटनों में खोया रहता है। घर में वस्तु नजर नहीं आवे, घर में रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती और अज्ञानता के कारण मनुष्य उसे बाहर खोजता रहता है। उसी प्रकार इस शरीर रूपी घर के अंदर विद्यमान आत्मा स्वरूप परम तत्व व्यक्ति को दिखाई नहीं देता और वह जंगलों में, तीर्थाटनों में उस परम तत्व परमात्मा को खोजता फिरता है, घूमता रहता है। आत्मज्ञान बिना जग झूठा क्या, मथुरा क्या काश। यहां पर कबीर ने ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन किया है, ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाले हैं कि जब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक यह संसार असत्य रूप में ही तुम्हें दिखाई देगा। इस संसार और सांसारिक बंधनों में ही बंधे रहोगे, विभिन्न तीर्थाटनों में खोए रहोगे,
जब तक तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इस नश्वर संसार को भली भांति नहीं समझ पाओगे और मथुरा काशी के महत्व को नहीं समझ पाओगे। केवल तीर्थाटन में भटकते रहोगे और उस परम तत्व परमात्मा से कभी भी नहीं जुड़ पाओगे। अतः आत्मज्ञान प्राप्त कर इस शरीर रूपी घर के अंदर वास करने वाली उस परम तत्व स्वरूप पर जीवात्मा को देख लो और साक्षात तुम्हें ईश्वर के परम तत्व के दर्शन हो। धन्यवाद। क्रमशः अगले प्रसंग पर हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।